तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M52 के अंदर नोटिफिकेशन के बारे में। तो गाइस, कुछ नोटिफिकेशन की सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमको चलना होगा अपनी फ़ोन की सेटिंग के अंदर। तो हम गाइस अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर चलते हैं। और गाइस, सेटिंग के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट आपको एक सीधा सीधा डायरेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है नोटिफिकेशंस का। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद गाइस, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल देखने को मिलता है। एक है ब्रीफ और एक है डिटेल। तो डिटेल में क्या है गाइस, अगर आप डिटेल रखेंगे तो वहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें आपको क्या मैसेज किया है, किसने कंप्लीट मैसेज आएगा, ठीक है। ऐसे ओटीपी आती है हमारे पास, तो उसमें कंप्लीट ओटीपी आएगी। ओके, समझ गए, इस तरीके से काम करेगा। इसके बाद गाइस, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो एडवांस सेटिंग पर आपको पहले क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पर हम क्लिक कर लेते हैं। एडवांस सेटिंग में क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो शो नोटिफिकेशन आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पे आपको 3 most recent नोटिफिकेशन शो होंगे। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 3 notification आपको शो होंगे। अगर गाइस यहाँ पे आप नन कर देंगे तो गाइस ऊपर आपकी सारी नोटिफिकेशन आपकी यहाँ से हाइड हो जाती हैं, ठीक है। इसको आप नंबर ऑफ नोटिफिकेशन कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन नंबर में आएगी कि 5 notification आपको देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार से गाइस, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ओके, इस तरीके से अगर भाई आप कर देंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। गाइस, इसको ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे तो आपकी सारी नोटिफिकेशन ऊपर आपकी शो होने लगेंगी आपको, ठीक है। तो ये कुछ काम करता है गाइस आपका नोटिफिकेशन। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है गाइस, इसको अगर आप इनेबल करते हैं गाइस, ठीक है, स्मार्ट पॉपअप व्यू करते हैं, तो गाइस ये ऐसे काम करेगा। अगर गाइस आप व्हाट्सअप वगैरह चला रहे हैं और आपके पास कोई, मतलब आप यूट्यूब चला रहे हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज आएगा तो आपके पास ऐसा एक लोगो आएगा, उस पर क्लिक करके आप वहाँ पर रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं। इंक्लूडेड ऐप्स पर आप क्लिक करेंगे तो सारे ऐप्स पर आप इनको इसको इनेबल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये भी कुछ नोटिफिकेशन की सेटिंग थी। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है गाइस। तो ये कुछ नोटिफिकेशन की सेटिंग्स रहती हैं यहाँ पे। तो गाइस, अगर गाइस अब आप किसी ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद करना चाहें तो गाइस यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी ऐप्स हैं वो सारे ऐप्स आ जाते हैं। इनमें से गाइस अगर आपको किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, जैसे मेरे को यूट्यूब की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, तो मेरे से यूट्यूब की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ओके गाइस, अगर इसको इनेबल करूंगा तो इसकी यूट्यूब की तरफ से मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइस, इस प्रकार से आप अपनी नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को लो सब्सक्राइब। तो गाइस, हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।